धमतरी में अचानक हुई बारिश के चलते लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां बेमौसम बारिश से धान खरीदी केंद्रों को खासा नुकसान हुआ है, जिसके बाद धमतरी कलेक्टर पीएस एल्मा ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में बीती रात बेमौसम बारिश से आम जनता के किसानों को नुकसान हुआ है। किसानों के खेत में रखे धान और खरीदी केंद्रों में रखा धान भीग जाने से नुकसान का बड़ा हुआ है। धमतरी कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों को नुकसान की समीक्षा के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि समीक्षा हो जाने के बाद जहां आवश्यकता होगी उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो जो बेमौसम बारिश हुई है उसमें जो आम जनता के संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है, विशेष तौर पर जो धान है जो किसानों खेत में रखे हुए हैं उस तरह की, या खेत खलिहान में रखे हैं उस तरह की, और दूसरी हमारे जो खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर खरीदी तेजी से चल रही थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में केप कवर वगैरह भी रखे हुए थे, उसको इन्होंने बहुत समुचित रूप से उसको रखरखाव किया है ये हम लोगों ने नोडल अधिकारियों को भेजा है और कल से ये काम चल रही थी और उसको समुचित रूप से प्रबंधन किए हैं कि नहीं, इसकी जानकारी लेकर हम उस पर समीक्षा करेंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ पर किस तरह की आवश्यकता होगी उसकी उसके लिए प्रतिपूर्ति भी।